@9 काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, आज नेशनल मीडिया में बहुत हलचल है। हलचल यूं है कि अफगानिस्तान में बहुत हलचल है। हलचल यूं है कि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद खूब हलचल है। हलचल यूं है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए हलचल। हलचल यूं है कि लखनऊ में हलचल है। हलचल यूं है कि देहरादून में हलचल है। हलचल यूं है कि दिल्ली में हलचल है। और ये सभी हलचलें सिर्फ सियासी हलचल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हलचल कहां नहीं है। तो हलचल दिल्ली में नहीं है, वहां नहीं है जहां पर एक मां रो रही है, एक पिता बेसुध है, एक भाई बेसहारा हो गया है और एक बहन बिलख बिलख कर अपने आंसू गिरा रही है। और यह सब इसलिए है क्योंकि दिल्ली के संगम विहार की एक 21 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई और उसको मारकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। शव मिला। मां बाप रात भर बेसहारा भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे और शव मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि मसला हरियाणा पुलिस ने कहा कि मसला दिल्ली पुलिस का है। मैं आपको बताता हूं मसला क्या है। मसला इंसानियत का है। मसला उस हैवानियत का है जो इस देश खत्म नहीं हुई और इसी के वजह से आज पूरा भारत रोष में। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राबिया सैफी, जो कि सिविल डिफेंस में काम करती थी और डीएम ऑफिस में कार्यरत थी, लाजपत नगर के डीएम ऑफिस में कार्यरत थी, सिविल डिफेंस में काम करती थी, रोज की तरह 26 अगस्त को सुबह 11 बजे घर से निकली थी। उसने सोचा था कि शाम को वापस लौटेगी, मां को भी इंतजार था, लेकिन नहीं। रात 8:30 बजे तक जो राबिया रोज आ जाती थी वो उस दिन नहीं लौटी। मां भटक, पिता भटक, दोनों माता पिता रात भर भटकते रहे और रात भर भटकने के बाद कुछ हासिल नहीं। सुबह 8 बजे जब जाने को हुए कि पता करते हैं रात भर उनकी बिटिया कहां थी, तो पता लगा कि बिटिया का शव आ चुका है और शव की हालत इतनी शत विशत कि मुझे बताने में शर्म आती है, मुझे बताने में घृणा आती है कि हम इस समाज में रहते हैं जहां जानवर रहते हैं। और शायद जानवर भी नहीं रहते, यहां पर भेड़िए रहते हैं और इन भेड़ियों के बीच में हमें अपनी बहन बेटियों को रखने में असुरक्षित महसूस होता है। यह पूरी खबर दिल्ली को दहला देने के लिए काफी है क्योंकि निर्भया कांड के बाद हमने सोचा था कि हम सुधार की ओर हैं, लेकिन नहीं। तस्वीरें अभी भी वही की वही हैं। अब चाहे राबिया को आप साबिया नाम दे दीजिए, चाहे राबिया को आज आप दामिनी का नाम दे दीजिए, चाहे आप राबिया को आज निर्भया का नाम दे दीजिए, चाहे आप राबिया को आज गुड़िया का नाम दे दीजिए, लेकिन क्या बदला? क्या उसकी मौत हो गई, उसके साथ दरिंदगी की गई, वो चीखती होगी, चिल्लाती होगी, उसके साथ सब कुछ किया गया, लेकिन अभी तक इसके पीछे क्या साजिश रही वो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जो पता नहीं लगा सके। लेकिन हम इसको छोड़ने वाले नहीं क्योंकि अब ये मेरे और आपके बीच की बात है और अब राबिया को न्याय दिलाने तक भारत एट नाइन में जस्टिस फॉर राबिया की मुहिम जिंदा रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने भर से यह केस खत्म नहीं होता। एक व्यक्ति जो कि षड्यंत्र की साजिश में साथ है, वो जाकर कहता है कि मैं इसका पति, गिरफ्तार कीजिए, और पुलिस गिरफ्तार करती है, कहती है कि हां हमने मुजरिम पकड़ लिया, अपनी पीठ थपथपाती है तो रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि इस घटना के पीछे जो लोग शामिल हैं, जो लाखों करोड़ों का जो बंदरबांट हुआ है, उस सब के सब नपेंगे, कोई नहीं बचेगा। और इसके पीछे जिस शख्स का बार बार नाम आ रहा है,
पीड़िता की मां चीख चीख कर कह रही है कि सुनिए, उस डीएम ऑफिस के अंदर एक तिजोरी है, खुफिया तिजोरी, जहां पर रोज लाखों रुपए आते थे। उसकी मां कह रही है कि वो बेटी जो कल तक जिंदा थी वो बताती थी कि कैसे यहां पर रोज लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं और उनका बंदर बांट। लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जहां पर गांधी जी का वो कागज इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर लोगों की सिट्टी पिट्टी बुद्धि सदबुद्धि सब भूल उड़ जाती। लेकिन अब इस मुद्दे को सांस लेने की भी जरूरत, क्योंकि हम सांस लेने देंगे नहीं। अब इस मुद्दे को पूरा का पूरा खोल कर रख देंगे। और रविंदर मेहरा जिस शख्स का नाम आ रहा है, जो जो लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हैं, वो डीएम ऑफिस जो पूरे षड्यंत्र में शामिल है, राबिया तो चली गई लेकिन आपके जरिए राबिया, हम इन सारे के सारे जितने ये काले चिट्ठे वाले लोग हैं, इनके काले कारनामों को एक पुलिंदा बनाकर इनकी ऐसी रेलगाड़ी बनाएंगे कि आपकी रूह को तब आराम मिलेगा। आप जन्नत में बैठकर ये याद रखिएगा कि आपका एक भाई है जो आपके लिए लड़ेगा। और नेशनल मीडिया, तथा कथित नेशनल मीडिया जो लेफ्ट राइट दो जगह की चीजें समझती है, जो आपको बताती है कि प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं तो आखिर क्यों हैं, जो आपको बताती है कि प्रधानमंत्री इतने बुरे हैं तो आखिर क्यों हैं, लेकिन समाज के अंदर फैली गंदगी को दिखाने में उनको पैसा कहां मिलता है। और आप लोग क्यों अपना समय जाया करते हैं, क्यों कैंपेनिंग करते हैं, क्यों इस बात को इन्वॉल्व करते हैं कि नेशनल मीडिया इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा। वो नहीं उठाएंगे क्योंकि आप उन्हें पैसे नहीं देते। लेकिन राबिया का ये भाई उसके लिए लड़ेगा और आखिरी सांस तक लड़ेगा। और हम जो लोग भी इस पूरी घटना में शामिल हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। वो लॉकर जो पैसों से भरा हुआ है उसको तोड़ कर रख देंगे। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको बांध कर रख देंगे। जो टीम इस घटना में पूरे क्रियाकलाप में जो टीम कदम ताल कर रही है उसके कदम तोड़ कर रख देंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। बाकी राबिया आज जन्नत में होंगी, वो क्या कुछ महसूस करती होगी, वो कैसे सोचती होगी, उसके लिए हमने एक रूपांतरण रिपोर्ट बनाई है। आप उस रिपोर्ट को देखिए और उस लड़की के हाल को समझिए। आप उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि वो बेटी आज क्या सोचती है। मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी। हर किसी की तरह मुझे भी जिंदगी से बेहद प्यार था। मेरे माँ बाप थे, भाई बहन थे, हंसता खेलता परिवार था। सिविल डिफेंस में मेरी नौकरी लगी महज 4 महीने ही हुए थे और मैंने पापा से वादा किया था कि मैं एक बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। बस इतनी सी दुनिया थी मेरी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। 26 अगस्त की उस रात मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनसे दया की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उनसे लड़ी, बहुत लड़ी, जितनी शरीर में ताकत थी उतना लड़ी, लेकिन आखिर कब तक लड़ पाती। मेरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे, दर्द से कराह रही थी मैं, लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो मुझे मारते रहे, पीटते रहे और मैं बस बेबस सब कुछ सहती रही।
आंखों से सरकते आंसू बस यही सोच रहे थे कि माँ आ जाओ ना, पापा बचा लो ना, कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आया। और अब आप मुझे कोई भी नाम दे दीजिए, मुझे गुड़िया कह लीजिए, मुझे निर्भया कह लीजिए, मुझे दिल्ली की दामिनी कह लीजिए, या कुछ भी नाम दे दीजिए। लेकिन जरा सोचिए, मैं थी तो आपकी बेटी ही ना, यूं नोच रहा था, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा थी, मैं भी तो आपके ही समाज का हिस्सा थी, मैं भी तो एक बेटी थी। मैं सिविल डिफेंस के दफ्तर में काम करती थी, सुबह 11 बजे घर से निकलती थी और रात को आखिरी 8:30 तक घर आ जाती थी। 26 अगस्त को भी आम सुबह थी, मैं 11 बजे ही घर से निकली थी, लेकिन उस सुबह की कभी शाम नहीं हुई, बस एक काली रात आई जिसमें मुझे दरिंदे नोच रहे थे, मेरे माँ पापा दर दर भटक रहे थे, मेरा भाई था जो परेशान था, मेरी बहन थी जो घबरा रही थी, और मेरी आंखों के सामने आते आंसू उजाले को धुंधला रहे थे, और वो धुंधलापन कभी खत्म नहीं हुआ, मेरी सांसें खत्म हो गई, आंसू तो अब भी बह रहे हैं, उस वक्त मेरी आंखों से और इस वक्त मुझसे प्यार करने वालों की आंखों में, मेरे माँ बाप की आंखों से निकलते आंसू मेरे साथ हुई हैवानियत के दस्तावेज हैं। हो सके तो इन्हें संभाल कर कानून को दिखा देना और कुछ मत कहना। मैंने बहुत चीख कर देख लिया था, मैं जिनके साथ उस रात गई थी उन्हें जानती थी मैं या शायद नहीं जानती थी, मैंने तो बस भरोसा किया था, इंसानियत पर भरोसा, लेकिन वो हैवान निकले, इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? मैं अब इस दुनिया जहां मैं तो नहीं, लेकिन उस रात को सोचकर सिहर जाती हूँ। मैं रो रही थी, मेरे अंग बुरी तरह से जख्मी थे, खून भी निकल रहा था, मैं तड़प रही थी और वो हंस रहे थे, मैं कराह रही थी और वो ठहाके लगा रहे थे, उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं था, वो मेरे शरीर को बस नोचते जा रहे थे और जो जी में आया कर रहे थे। मैं हर बार उठती, हर बार लड़ती, हर बार गिरती, मैं हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन वो दरिंदे थे, उन पर हवस का खून सवार था, वो जानवर बन चुके थे, शायद नहीं क्योंकि जानवर इतने बेदिल नहीं होते, वो भेड़िए थे, भेड़िए, उन भेड़ियों ने मेरे शरीर को तार तार कर दिया, मेरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, मेरे शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी की जिद लिए बैठी थी, मैं जीना चाहती थी, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मौत के बाद कानून के ठेकेदार कहेंगे कि राबिया तुम रहती यहाँ हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वो सीमा के उस पार हुआ, तो तुम वहां जाओ, दिल तोड़ दिया तुमने दिल्ली, रुला दिया तुम दो राज्यों के इस बेहया नाटक ने मुझे, चलो मैं शांत हो चुकी हूँ, तुम शांत मत होना, मैंने जो सहा तुम मत सहना, तुम बदलाव लाओगी, मेरी मौत के सहारे ही सही वो काली रात फिर ना आने पाए। मेरी कहानी यहीं तक थी, उस रात की कभी सुबह न थी। तो दर्शकों, संगम विहार से लेकर लाजपत नगर के निकलते हुए सूरजकुंड थाने से होकर हरियाणा तक हमारी बेटी राबिया आंसू, उसकी यादें, उसका बचपन, सब कुछ खत्म। और जब ये सब हो रहा था तो हम सब घरों में सो रहे थे, लेकिन जब हम जागे तो हमने क्या किया? हमने वही किया जो हम हर बार करते, दिल्ली पुलिस ने वही किया जो वो हर बार करती आ रही थी।
पुलिस ने इस केस को बजाए ये समझते हुए कि वो यहां की रहने वाली थी, इसको अपने हाथों में लेना, मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ना, साजिश का पर्दाफाश करना, ये सब करने के बजाय उन्होंने मुद्दे को किसी बैंक में आए किसी कस्टमर की तरह दूसरी खिड़की पर जाने को कह दिया। सोचे उस पिता का क्या हाल होता होगा जो जब दिल्ली के थाने में जाता है और उस थाने में बैठा दरोगा उससे कहता है कि यहां नहीं हरियाणा जाओ। बेटी यहां की भले ही थी, मर्डर तो हरियाणा में हुआ, रेप तो हरियाणा में हुआ, वहां जाओ। और हम हर बार की तरह कैंडल, पैम्फलेट, बैनर, तख्ती लेकर खड़े हैं, प्रोटेस्ट का ड्रामा कर रहे हैं और कल अगली सुबह को पानी पीकर आराम से किसी अन्य मुद्दे की ओर लग जाएंगे। लेकिन उस परिवार का क्या, उस बेटी का क्या जो उसकी बहन थी, उस भाई का क्या जिसने उसकी सुरक्षा की कसम खाई थी, उस मां का क्या जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा था, उस पिता का क्या जिससे उसने वादा किया था कि पापा मैं एक बड़ी अफसर बनूंगी। इन सब के कलेजों पर जो पत्थर अब गिरा, एक एक का, एक एक आंसू का पूरा बदला लिया जाए और अब इन रेपिस्ट को हैंग किया जाएगा। दिस इज द लास्ट पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट इज द ओनली पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। बाकी उनके मां के भाई के दिलों में क्या कुछ, क्या कुछ रोष, क्या कुछ दर्द, वो मैं बयां नहीं कर सकता, आप उनको खुद सुन लीजिए। आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है उसके यहां से चाकू घोंपा गया है मुंह से और यहां को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहां से घोंपा, यहां को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहां मारा गया, सीने पे यहां भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियाँ यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था पूरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे, मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीतरी होगी, आप लोग खुद देखिए क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए, 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है, लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के वहां से आई वो कहानी नहीं बनी है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करी है। कल हम उसके लिए गए जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम विहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, अब जो है उसका मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो शादीशुदा थी, उसको बदनाम करने के लिए सब किया गया। ठीक है, लेकिन आगे अभी कुछ नहीं पहुंची है, वहाँ का वहाँ ही है सब केस, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है। मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जब आते हैं यथा पक्के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे साथ रहने से क्या होता है, हमें बैठाते साथ लेके जाते, मेरे केस को तहकीकात करते, आगे बढ़वाते,
बताओ अब ये थोड़ा ही ना कि लड़का सिलेंडर हो गया तो उसके मतलब जो है मुझे पूरी टीम पर हाथ है, पूरी टीम का ही हाथ है ये, कितना भी स्टाफ लड़के का जो है वो तो हमें पूरा पूरा डाउट है कि वो लड़के को तो खाली उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल के उसको खामखा आरोपी बनाया जा रहा है। असल में वो कहानी ये है एफआईआर के ऊपर क्या कह रहे हैं। हरियाणा पुलिस तो कुछ नहीं कह रही है, उन्होंने ये कह दिया कि कल लड़का आएगा रिमांड पे लेंगे तो तब वो कर देंगे, वो तो पुलिस तो पैसा खा कर बैठ गई है तो वो रिमांड पे भी क्या लेंगे। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का तो कोई दिल्ली की पुलिस ये कह रही है वहाँ का कैसे वहाँ निपटाओ, तो ये थोड़ा ही है कि लड़की का मर्डर किया दिल्ली में अब फेंक दिया बिहार में, तो मतलब बिहार दिल्ली से बिहार लड़ने के लिए जाएंगे। आप ये बताइए क्या मांग करते हैं कि केस ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली लाया जाए, केस दिल्ली लाया जाए, सीबीआई की जांच होवे और उसको फांसी पर लटकाया जाए। हमारी इतनी है अभी हमारी कोई भी सरकार तो है कोई अभी साथ नहीं दे रही है, सरकार हमें हिम्मत बढ़कर आगे उठाए। कौन कौन इसमें और सम्मिलित हो सकते हैं? पूरा स्टाफ है जी इनका, हाई डिलाईवर के। दर्शकों रोना बंद करिए कि नेशनल मीडिया कहाँ है, दर्शकों रोना बंद करिए कि हमें कोई दिखा क्यों नहीं रहा, दर्शकों रोना बंद करिए क्योंकि ये मीडिया आपको इसी वक्त जब घटना के बाद इतना लंबा समय बीत चुका है और आज 6 सितंबर आ चुका है, इस वक्त नेशनल मीडिया आपको कहीं बैठा बता रहा होगा कि ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है, इंग्लैंड 210 रन पर सिमट चुकी है और 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे, क्योंकि उनको लगता है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा। तो आप रोना बंद करें, आपके आंसू पोंछ रहे अब कोई भगवान नहीं आएंगे, आपके आंसू पोंछ रहे अब अल्लाह नहीं आएंगे। अपने आंसुओं को रखिए, इनको अपनी ताकत बनाइए और इस ताकत के जरिए लड़िए। और इस लड़ाई में मैं कावेंद्र चौहान और मेरा चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हम सब आपके साथ हैं। राबिया को न्याय दिलाने के लिए हम आखिरी पल तक लड़ेंगे और इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, इस लड़ाई को झुकने नहीं देंगे, क्योंकि ये दरिंदे हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। इनको रोकने की जरूरत है। और दर्शकों राबिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। और इसके पीछे मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरकारी गुंडाइज्म सिस्टम इन्वॉल्व, क्योंकि हमारे पास ऐसे सबूत हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं आपको कल भारत एट 9 में दिखाऊंगा और इसका पर्दाफाश करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में कैसे अधिकारी शामिल थे, इस पूरे मामले में कैसे उसी डीएम ऑफिस के लोग शामिल थे, इस पूरे मामले में कैसे वहां के स्टाफ को पूरी जानकारी थी कि राबिया सैफी की जान खतरे में है, इस पूरे प्रकरण में संगम विहार से लेकर हरियाणा तक के बीच की दूरी के बीच जो कुछ साजिश थी उसको कल खोल के रख दिया। और जो लोग इसमें शामिल हैं अगर मुझे देख रहे हैं तो 3 टी-शर्ट, 2 हाफ कच्छे लेकर तैयार रहे, तिहाड़ जेल में रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, कपड़ों की सुविधा अभी फिलहाल उस लहजे की नहीं आई है जैसा आप लोग पहनते आ रहे हैं। मैं अपने समाज को यूं काला, यूं गंदा, यूं भद्दा, यूं बेशुद्ध, यूं बेगंध नहीं हूं, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से जो इसमें शामिल हैं कि बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे
आपको रात में वो चीखें सुनाई देंगी कि जब वो लड़की रो रही थी आपसे दया की चीख मांग। तो भेड़ियों, तुम्हारी जरूरत अब समाज के बीच रहने की नहीं, तुम्हारी जरूरत अब काल कोठरी के पीछे और बहुत जल्द हवा में लटकने की, और तुमको टांगा जाएगा। तुम टंगोगे और तुम्हारी मौत निश्चित। राबिया के परिवार वालों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि उनका बेटा उनके साथ है और इस लड़ाई को लड़ने में भारत एट नाइन के जरिए मैं कल्प्रिट्स की बखिया फिर। कल फिर मुलाकात करूंगा आपसे, कल फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।